हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यस, तो वन प्लस ने रिलीज कर दिया है अपना नया अपडेट एंड ये होगा 11.2.2 के नाम से। ये बहुत ही नीडेड सॉफ्टवेयर अपडेट था वैसे, एस्पेशली वन प्लस 9 सीरीज के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बग्स थे, कुछ माइनर एंड कुछ मेजर। बीइंग अ फ्लैगशिप डिवाइस, आप एक्सपेक्ट करते हो कि माइनर से माइनर बग्स भी ना रहे एक फोन में, एंड अगर रहे भी तो जल्दी से जल्दी वो रिजोल्व हो जाए थ्रू द सॉफ्टवेयर अपडेट्स। बग्स तो हर फोन में होते हैं, आई एग्री ऑन दैट, बट अगर ये इश्यूज प्रीमियम फीचर्स में होंगे जिसके लिए आप पे करते हो, जैसे कैमरास, ओएस एंड स्क्रीन एक्सपीरियंस, देन इट रियली बिकम्स ग्लूमी। ग्लूमी मतलब अनोइंग। एंड इस वन प्लस 9 सीरीज में भी बहुत सारे बग्स थे, जैसे आई मेंशन बिफोर, इफ यू हैव ओन एनी वन प्लस 9 सीरीज डिवाइस तो आपने नोटिस किया होगा बिफोर 11.2.2.2 अपडेट, इवन आफ्टर बीइंग एम्बेडेड बाय अ हाईली कैपेबल प्रोसेसर, फोन यूज करते वक्त या फिर स्क्रीन को स्क्रोल करते वक्त स्क्रीन थोड़ा जिटरी फील हो रहा था। जिटरी मतलब जैसे पबजी में चिपक रहा है वाला इशू था ना, वही है, विच इज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ फ्लैगशिप डिवाइस व्हाटसोएवर। एंड व्हाइल शूटिंग 8K एट 30 FPS और 4K एट 60 और 120 इन द डे लाइट, फोन का टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, एंड वार्निंग भी आ रहा था टू टर्मिनेट वीडियो कैप्चरिंग, विच वॉज ऑल्सो द केस इन देयर लास्ट जनरेशन फ्लैगशिप वन प्लस 8 प्रो। एंड ये नोटिफिकेशन डायरेक्ट सनलाइट में फोटो कैप्चर करते वक्त भी आ रहा था, विच इज फ्रस्ट्रेटिंग एज हेवन। ये वीडियो शूटिंग के जो इशूज है एक्चुअली इसको एंड्रॉइड कम्युनिटी में बहुत लोगों ने पोस्ट किया है एंड फीडबैक भी दिया है टू राइज अ कैंपेन। प्लीज लेट मी नो द थ्रेट्स यू आर फेसिंग विद एनी ऑफ द वन प्लस 9 सीरीज डिवाइस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो पट से हेडशॉट दे दो सब्सक्राइब बटन पे एंड घंटे पे भी। सो लेट्स सी व्हाट ऑल थिंग्स आर गोइंग टू बी फिक्स्ड इन दिस न्यूली सेंट सॉफ्टवेयर अपडेट। एक साथ बहुत ज्यादा अंग्रेजी बोल देना मैंने, तो मैं सारे चीजें तो नहीं कवर करने वाला हूँ, बट मैं मेन चीजें बता रहा हूँ, बाकी सारे फिक्सेस जो है वो लास्ट में शो कर दूंगा, आप देख लेना। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एक सॉफ्टवेयर अपडेट का बड़ा इंपॉर्टेंस ये होता है कि आपको नया सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। तो जी हाँ, आपको मार्च 2021 का सिक्योरिटी पैच जो है इसके साथ मिल जाए। नेक्स्ट है इम्प्रूव द चार्जिंग स्टेबिलिटी टू प्रोवाइड बेटर यूजर एक्सपीरियंस। शायद ये जो हीटिंग इश्यूज था वाइल चार्जिंग द फोन वो रिजॉल्व हो गया है, एंड जो कि नीडेड भी था बहुत ज्यादा। उसके बाद इम्प्रूव द वाइब्रेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ गेम्स सच एज कॉल ऑफ ड्यूटी एंड पबजी। एक फ्लैगशिप डिवाइस में हैप्टिक फीडबैक जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ये एक्चुअली एक वाइब्रेटिंग मोटर होता है जो आपके टच रिस्पॉन्स के हिसाब से वाइब्रेटिंग फीडबैक देता है, एंड दिस फोन हैज अ गुड वाइब्रेटिंग मोटर नो डाउट, बट उसको एफिशिएंटली एम्प्लॉय नहीं करना एक फोन में इज अ कंपनीज अटर फेल। तो इस अपडेट से इसका हैप्टिक फीडबैक भी अच्छा हो गया। फिक्स्ड द स्मॉल प्रोबेबिलिटी इशू दैट द डिवाइस में रीस्टार्ट व्हेन प्लेइंग गेम्स। ये बग सुन के मेरे को लिटरली चाइनीज फोन्स की याद आ गई। ये फोन्स ओवरहीटिंग रिकॉर्ड करके वो जो प्रोग्राम्ड कमांड होते हैं ओवरहीटिंग के लिए उसकी वजह से रिस्टार्ट हो रहा था आई गेस, तो वो भी रिजॉल्व हो चुका है। फिक्स्ड नोन इशूज एंड इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी। इसे शायद वो जिटरी एक्सपीरियंस खत्म हो जाएगा एंड बटर स्मूथ स्क्रोलिंग का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। डार्क मोड के भी कुछ बग्स फिक्स हो गए, चलो थैंक यू वन प्लस। एंड लास्टली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैमरे के थ्रेड्स। इम्प्रूव द शार्पनेस, नॉइज एंड वाइट बैलेंस ऑफ द रेयर कैमरा। वन प्लस 9 हैज एक्चुअली फोकस्ड ऑन क्लिकिंग शार्प फोटोज, अनलाइक सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा जो कि हर एक ग्रेन रिमूव करने में फोकस है। ग्रेन एज इन वो फोटोज में दाने दाने होते हैं ना, वही है। तो शार्प फोटोज में कभी कभी ज्यादा ग्रेन्स आ जाते हैं लो एंड आर्टिफिशियल लाइटिंग में फोटोज खींचने पर, तो इस अपडेट से वो नॉइस भी कम हो जाएगा शायद। व्हाइट बैलेंस भी इंप्रूव हो जाएगा, एज इन फेस कलर का जो प्रोडक्शन है वो भी एक्यूरेट हो जाएगा। ये सारा कुछ AI का मामला होता है। इंप्रूव द व्हाइट बैलेंस परफॉर्मेंस ऑफ द फ्रंट कैमरा एज वेल। ये भी वही है, फेस कलर एक्यूरेटली प्रोड्यूस करेगा फ्रंट कैमरा से भी। इंप्रूव द जूम परफॉर्मेंस, तो इसका जो पेरिस्कोप लेंस है वो भी इंप्रूव होगा। 3.3x जूम से ये अच्छे डिटेल्स प्रोड्यूस करता है, बट इसके बाद जूम करोगे तो वॉश आउट इमेजेस आती है, तो जूम में भी थोड़ा सुधार किया गया है। इंप्रूव द कैमरा स्टेबिलिटी, इसमें जो 4K 120fps में शूट करने में दिक्कत आ रहा था वो भी रिजॉल्व हो जाएगा, एंड ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन वाइल शूटिंग वीडियोज गोइंग टू फील अ लॉट मोर बेटर। तो ये थे बग्स फिक्सेस अपडेट 11.2.2.2 में। आप बताइए वन प्लस में और क्या क्या बग्स हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक शांतता बाहर। क्यों नहीं कर रहे?